फैसले की तारीख नजदीक आते ही इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बात करते हुए जन सामान्य में सकारात्मक और सौहार्द संदेश भेजने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे कोई भी शरारती तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा जो उस दौरान किसी भी तरह के अनागलन मैसेज सोशल मीडिया पर चलाएंगे या लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर अलग अलग विभागों से जारी हुई अलर्ट की स्थिति के बाद अब इंदौर प्रशासन भी समझ चुका है कि अयोध्या मामले को लेकर स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी। इसको लेकर हर स्तर पर शांति समितियों की बैठक की जा रही है। वहीं लोगों से भी अपील की जा रही कि वह किसी भी बहकावे में न आए। इंदौर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है जिसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में लगातार इमोनेशन लगातार डोमिनेशन मार्च भी निकाला जा रहा है। उधर इंदौर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच को लेकर 1000 पुलिस बल अतिरिक्त सुरक्षा खिलाड़ी और स्टेडियम के बाहर लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। एक केस अलग था, 2010 में ऐसा आया था, उसका एक बैकग्राउंड अलग था। अब 2019 में जो फैसला जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक अलग बैकग्राउंड में हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार जो एक अंडर करेंट है, सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल, सभी व्यक्ति या धार्मिक गुरु हैं, सभी यही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फैसला है किसी भी सरकार का, किसी भी शासन का नहीं है, ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका फैसला है। इसीलिए हम सभी को उसका सम्मान करना है, उसका मान करना है और उसको किसी भी धर्म से या समुदाय से जोड़ के नहीं देखना है। इस तरह का जब हम मैसेजिंग करेंगे तो आई थिंक जो एक कई बार फैसले के इंटरप्रिटेशन को लेके और फिर उससे अलग अलग व्यक्ति या धर्म के लोग जोड़ने लगते हैं, उसको अगर हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है, विश्वास है कि हमारे शहर में जो सौहार्द है, शांतिपूर्ण वातावरण है, वो आने वाले समय में भी कायम।